Well, that's in the air. And it is out of here. हाँ हाँ मैं नहीं मारा मैं यूं मैं यूं हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम समर तो काफी लोग बोलते हैं समर तू इतने तेज क्यों बोलता है फ्रेंड इतनी सारी एनर्जी कहाँ कहाँ वेस्ट होगी तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ही निकाल लेता हूँ तो प्लीज दोस्तों बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में चले फ्रेंड चलते हैं बेटॉक पर चलिए समर एक्सपेरिमेंट तो कैसे हो जुगाड़ियों तो फ्रेंड्स मैं काफी सोच रहा था यार काफी दिनों साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं किया है कुछ प्रोजेक्ट बनाए जो सब बिल्कुल अलग हो हम काफी चीज बनाते हैं लेकिन फ्रेंड्स आप बिल्कुल डिफरेंस बनाएंगे तो इस लाइटर से हम बनाने वाले हैं रेडियो देखा जाए तो फ्रेंड्स आप सिंपल भाषा में इसे ट्रांसमीटर और रिसीवर कह सकते हो वैसे वाले रेडियो की आप धड़ाके से गाने सुनोगे नहीं यार और फ्रेंड्स मुझे नहीं पता कि काम करेगा नहीं कि वो तो आपको वीडियो पता लगेगा चले फ्रेंड्स इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर इस वीडियो आपको काफी मजा आएगा वजह क्योंकि फ्रेंड्स हम इसे तोड़ने वाले हैं काफी लोगों की पसंद रहती है कुछ ना कुछ तोड़ना खोलना तो देखिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो किस किस भाई को तोड़ना खोलना पसंद रहता है तो हमें ओनली इस पार्ट की जरूरत होगी फ्रेंड्स ये जो सारा पार्ट है दानेदार में किस तरह का स्वाद वाले के लिए छोड़ देते हैं इसका यूज हम करेंगे यहाँ पर मैं आपको तीन तरह के कॉपर वायर दिखा रहा हूँ 12, 13, 14 SWG का यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज तो फ्रेंड्स आप कोई भी ले सकते हो कोई टेंशन नहीं है यारा तो लेकिन दोस्तों दिक्कत यह है कि भाई इस पर जो कोटिंग है ये देखिए जो इंसुलेटेड कोटिंग होती है ये मुझे ऐसे छुटानी पड़ेगी हटानी पड़ेगी यानी कि टोटल इस वायर को मुझे नंगा करना पड़ेगा चलिए फ्रेंड्स हम फिलहाल यहाँ पे जो मिड वाला है 13 वाला 13 वाला वो वाले ले लेते हैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा आपको समर तूने मेजरमेंट नहीं पता कितना लेना है इस वायर को तो फ्रेंड्स आप लगभग 12 इंच या 30 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर इस पीस को कट कर सकते हैं और 30 सेंटीमीटर आपको दो पीस कट करने हैं यहां पर दो पीस कट चुके हैं 30 सेंटीमीटर के अब मुझे इसके भी आधे यानी कि हाफ कट करने हैं कि जो 15 सेंटीमीटर के तो लीजिए कट चुके हैं और आप इसकी चॉपस्टिक बनाकर चाउमीन भी खा सकते हो प्रैक्टिस नहीं है मेरे को कोई नहीं हम अब क्या करते हैं फ्रेंड्स अब इनकी सीधा कोटिंग करते हैं उन्हें सीधा नंगा करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे नाइफ से छीला है यानी कि सन्नगा क्या है आप तो दूसरा तरीका फ्रेंड्स क्योंकि सब पर ड्रिल मशीन नहीं होती तो ड्रिल मशीन से भाई बहुत मस्त करता है देखिए इस तरीके से फंसाइए और इस तरीके से आप लगाइए और भाई साहब कर दीजिए बस चालू ड्रिल मशीन देखिए देखिए क्या मस्त हो गया है ठीक है तो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही कर देता हूँ अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप नाइफ से कर सकते हो सैंड पेपर से कर सकते हो या घर के किसी भी चाकू से कर सकते हो चारों बन चुके हैं फ्रेंड्स अब आते हैं बहुत ही ज्यादा मेन काम फ्रेंड्स ये है कि सफाई करनी है भाई रुक जाओ सफाई कर ले पहले ऐसा मेरे साथ ही होता है अब करते हैं हम काम शुरू आ जाओ बिलोंडो तो फ्रेंड्स आपके और मेरे बीच काफी सारी वार्तालाप हो चुकी है भाई इशू आप तो कुछ ज्ञान की बातें करना चाहते हैं अगर मजा नहीं तो कमेंट बॉक्स में कहना दोस्तों ज्यादातर लोग बिटकॉइन को इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदते हैं क्योंकि 10-12 साल में इसने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं दोस्तों कॉइनस्विच कुबेर वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर सकते हैं दोस्तों सिर्फ 6 महीने में कॉइनस्विच कुबेर पर 7 लाख लोगों ने साइन अप किया है और इसमें सेफ्टी फीचर्स भी काफी है यहां पर कस्टमर्स का आधार और पैन वेरिफिकेशन भी किया जाता है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपीज है और अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री है और आप जब चाहे यहां से अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो इसका यूजर इंटरफेस भी काफी इजी है पर दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है जैसा कि आप सब लोग जानते हो क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू बहुत ज्यादा वोलेटाइल है इसीलिए दोस्तों इसमें आप सिर्फ इतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप रिस्क उठा सकते हो दोस्तों फाइनेंस सेक्टर में क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है सो बी द पार्ट ऑफ इट एंड नेवर फॉरगेट योर रिस्क टेकिंग एपेटाइट कॉइनस्विच कुबेर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो प्लीज जाइए और साइन अप करें और इन्वेस्ट करें दो लकड़ी के टुकड़े ले लिए और फ्रेंड्स मैंने इस कार्य को जो अंजाम दिया है वो इस छोटी सी नन्ही सी लुल्ली सी पेंसिल से दिया है तो देखिए फ्रेंड्स पेंसिल छोटी थी ये जुगाड़ है बड़ा करने का अब काम आ गया बताइए फ्रेंड्स के प्लीज कमेंट बॉक्स में कि किस किस भाई ने ये जुगाड़ किया है तो दोस्त इसकी कोई खास डैमेज नहीं है तो फाइनली मैंने इनमें 4 होल कर दिए हैं देखिए इन दोनों में 4 होल कर दिए हाफ हाफ इंच का अप्रोक्स गैप देकर और ये आप ऐसा कर सकते हो कि फ्रेंड्स ये जो वायर है जितना भी मोटा या पतला वायर होगा इसके हिसाब से उसमें आ जाना चाहिए बिल्कुल फिक्स आ रहा है और मैंने चारों वायर में 1-1 सेंटीमीटर का गैप कर दिया देखिए मार्क कर दिया देखिए यहाँ फ्रेंड्स मैंने मार्किंग कर दी ऊपर से 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर ये मार्क कर दिया है और 1 सेंटीमीटर सारे इसके अंदर चले जाएंगे 1 सेंटीमीटर के अंदर चले जाएंगे यहाँ से ऐसा करूँगा और इसे डायरेक्ट सिंपल तरीके से ऐसा मोड़ दूंगा तो लीजिए फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि भाई जैसे सांड के सींग हो
देख सो फ्रेंड्स, गधे के सर का सीन कैसा आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बन चुका है ट्रांसमीटर। लेकिन फ्रेंड्स अभी इसमें काम बाकी है, रुक जाओ अभी जरा ठहरो। ये वाला पार्ट अब फ्रेंड्स इसमें लगाने वाले हैं। भाई आपको क्या समझ आ रही, इसका नाम तो बता दे भाई तू, पार्ट्स पार्ट्स बोल। फ्रेंड्स का नाम है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन। तो यहाँ पर मैंने एक होल कर दिया है जिससे फ्रेंड्स ये इसके अंदर आ जाए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन है। देखिए बिल्कुल फिक्स है। अब हमें करना क्या है, करना क्या है बताएंगे। तो फटाफट कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी बना लेते हैं। यहाँ फ्रेंड्स हमें सोल्डिंग करना है, ये वाला इस पे और ये वाला इस पे। देखिए यहाँ पर मैंने एक वायर इसका लगा दिया है और दूसरा वायर इस पर सोल्डिंग कर दिया है सीधा निचले हिस्से पर। और यहाँ पर देखिए इस जगह मैंने दोनों सोल्डिंग कर दिया और अब मैं इसे इस जगह फिक्स कर दूंगा। तो सारा मैंने बना दिया है, ये इसका बना है ट्रांसमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपको इतना मिलाना है कि यहाँ पे थोड़ी सी आप देखिए स्पार्क थोड़ा सा उठेगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स यहाँ पर मिड में स्पार्क हुआ, तो आपको इतना ही गैप देना है जिसमें स्पार्क हो जाए। मिठुदा साहब होते तो फ्रेंड वो मतलब पता नहीं क्या क्या इस रिमोट से करते थे। तो फ्रेंड्स ये बना है ट्रांसमीटर, अब इसका रिसीवर बनाते हैं। लीजिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल इसका रिसीवर है और बहुत ही सिंपल इसका ट्रांसमीटर है। ये दुनिया का सबसे सिंपल रेडियो है देखा जाए तो। चलिए फ्रेंड्स अभी और आगे प्रोसेस करते हैं। एक में ले रहा हूँ एलईडी। तो फ्रेंड्स एलईडी को आपको इसके वायर पर लगाना है और दिक्कत नहीं करनी, नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल भूल जाइए। ऐसे लगा दीजिए चाहे पलट के ऐसे लगा दीजिए। तो मैं इस पर सोल्डिंग कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सोल्डिंग कर दी है एलईडी, व्हाइट कलर की रेड एलईडी है। और देखिए कि फ्रेंड्स बन चुका है रिसीवर, ये ट्रांसमीटर। और देखिए वाओ, अब देखते हैं फ्रेंड्स कितना वर्क करता है। तो चले फ्रेंड्स इसे टेस्ट करते हैं, पहले मिलाकर टेस्ट करूंगा, टच करके देख कितना फर्क पड़ता है। अभी मेरी उंगलियों ने जवाब दे दिया है, तो मैं सेम डबल लगा कर रहा हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड्स चला, देख सकते हो यहाँ पे। अभी ये मोबाइल फ्रेंड्स हमारा जो कैप्चर है, सॉरी जो कैमरा है, वो काफी कम बहुत कैप्चर कर पा रहा है क्योंकि काफी कम लाइट है, बहुत लो लाइट है। देखिए अब चलिए मैं थोड़ा दूर करता हूँ, देखिए इतनी दूर से। देखिए चला मैं कर रहा हूँ, ये हमें तो दिख रहा है फ्रेंड्स कैमरा कैप्चर नहीं कर पा, थोड़ा दूर से और करते हैं। देखिए बहुत हल्का जल रहा है, ठीक है, यानी कि जितना दूर आप इसे करोगे उतना ही कम चलेगा और जितना आप इसे पास करोगे उतना ज्यादा चलेगा। आप देख सकते हो ये यानी कि वायरलेस वर्क कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम जितना दूर से ले रहे हैं ये जो एलईडी है काफी कम, बहुत ही कम ग्लो कर रही है, हमारा जो कैमरा है इसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है। फिर फ्रेंड्स चलिए इसकी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं, इसमें और हम जुगाड़ करते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं 2N3904 ट्रांजिस्टर यूज करके देखता हूँ। फिर एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं कि भाई कितने फ्रिक्वेंसीज की बढ़ेगी। देखिए फ्रेंड्स देखिए एमिटर बेस और कलेक्टर, यानी कि जो फर्स्ट लेग एमिटर है, सेकंड बेस है और कलेक्टर थर्ड पॉइंट। तो फिलहाल मैं इस एलईडी को यहां से निकाल देता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए एमिटर और बेस जो फर्स्ट और सेकंड लेग है यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया सीधा इन कॉपर वायर में, और जो इसकी थर्ड लेग थी फ्रेंड्स वो पॉजिटिव एलईडी का पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर दिया। इसके पिन आउट जो निकले एक ये जो नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स नेगेटिव पोज में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बैटरी लगानी है जो कि 9 वोल्ट की बैटरी आप देख सकते हो। तो मैं फटाफट इसके कनेक्शन में कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिए, सारे कनेक्शन मैंने आपको बता दी, काफी इजी है। चलिए टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ मैंने लगा बटन पुश करता हूँ, देखिए वर्क कर रहा है। देखिए अभी वायरलेस है, दूर से दिखाइए। देखिए ये फ्रेंड्स काफी दूर से वर्क कर रहा है। देखिए और दूर करता हूँ थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स यकीन मानिए कैमरा हमारा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, नहीं काफ़ी अच्छी ब्लिंक हो रही है। देखिए अभी दिखा, थोड़ा और दूर से करता हूँ, देखिए अभी भी काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा दूर से दिखाऊंगा, देखिए काफ़ी दूर से मैं बिल्कुल भी आपके सामने जो भी है आपके सामने लाइव है। देखिए कितनी दूर से वर्क कर रहा है, देखिए और दूर करता हूँ, देखिए काफ़ी दूर आने की। देखिए फ्रेंड्स अप्रोक्स 6 इंची यहाँ पर डिफरेंस है, ये तो फ्रेंड्स कमाल हो गया, ये वर्क कर रहा है वाओ। चलिए फ्रेंड्स और करके देखते हैं कितने दूर तक वर्क करेगा। देखिए फ्रेंड्स जहां तक भी वर्क कर रहा है आप शायद नहीं देख सकते, देखिए अभी काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स अप्रोक्स 1 फुट की दूरी है ये 12 इंच की, और देखिए हाँ ये काम कर रहा है लेकिन कैमरा शायद कैप्चर ना कर पाए, लेकिन फ्रेंड्स मैं इसे देख पा रहा हूं। देखिए देखिए काम कर रहा है। इस पर अभी एक एक्सपेरिमेंट और करना चाहूंगा,
फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अपने 18-20 इंच तक ये आराम से बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसकी एक यहाँ की देखिए एक अगर हम लेंथ इसकी मिलाएं तो कितना करता है देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स काफी अच्छा वर्क कर रहा है और काफी तेज भी इसकी जो LED जल रही है। देखिए आप शायद देख नहीं सकते तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर देखना हमारा कैमरा कैप्चर कर ले, देखिए जला, देखिए कितने अच्छी यानी कि काफी ब्राइट ये जल रही है। तो फ्रेंड्स काफी मस्त काम है किया मैंने, फ्रेंड्स मुझे इतना अंदाज नहीं था इतना बड़े काम करेगा। तो देख सकते हो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल बहुत सस्ता सा जुगाड़ है, साइंस प्रोजेक्ट में बहुत मस्त काम है, आप इसे बना सकते हो 100% सक्सेसफुल है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप जानते हो कि मैंने बैटरी यहाँ पर बैटरी लगाई और ट्रांजिस्टर बनाया, फ्रेंड्स की फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई और काफी दूर तक अप्रोक्स ये 15-18 इंच तक भी काम कर रहा था। यकीन मानिए आप कैमरे में नहीं देख सकते लेकिन फ्रेंड्स मैं सामने देख सकता हूँ। तो फ्रेंड्स काफी अच्छा प्रोजेक्ट और 100% वर्किंग भी है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको काफी यूजफुल होगी, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ऊपर। थैंक यू सो मच दोस्तों, शर्ट धुलवानी पड़ेगी, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।